नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी भी रामायण से ही उद्धृत है। आज मैं रामायण के तीन प्रेरक प्रसंग आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रेरक प्रसंग है जिसका कि शीर्षक है, पति पत्नी के बीच नहीं होना चाहिए अहंकार। दोस्तों, रामायण में जब सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले से सीता माता का विवाह किया जाना था। यह शर्त सीता जी के पिता जनक जी ने रखी थी। कई राजाओं और वीरों ने प्रयास किया, लेकिन किसी से धनुष टूटना तो दूर, हिला तक नहीं। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री राम को आज्ञा दी और कहा, जाओ राम, धनुष उठाओ। श्री राम जी ने सबसे पहले अपने गुरु को नमन किया, फिर शिव जी का ध्यान करके धनुष को प्रणाम किया, धनुष को उठाया और उसे किसी खिलौने की भांति तोड़ दिया। इस प्रसंग में एक सीख छिपी है। दार्शनिक रूप से समझें तो धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार जब तक हमारे भीतर होगा, हम किसी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकते। अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में हमें प्रवेश करना चाहिए। पति पत्नी के बीच अहंकार होना ही नहीं चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसमें दूसरा प्रसंग आता है, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण। श्री राम जी को वनवास जाना था और वे चाहते थे कि सीता वनवास को न चले और माँ कौशल्या के पास ही अयोध्या में रुके। कौशल्या जी भी चाहती थी कि सीता न जाए, जबकि सीता जी श्री राम के साथ वनवास जाना चाहती थी। श्री राम ने सीता को समझाया कि वन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ भयंकर राक्षस होंगे, सांप होंगे, वन की धूप, ठंड और बारिश भयानक होती है, तरह तरह की परेशानियाँ आएंगी। इन सभी परेशानियों का सामना करना किसी राजकुमारी के लिए संभव नहीं है। श्री राम ने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने वनवास जाने के लिए श्री राम और माता कौशल्या को मना लिया। सीता ने श्री राम के प्रति समर्पण का भाव दिखाया और अपने स्वामी के साथ वे वनवास भी गई। समर्पण की इसी भावना की वजह से श्री राम और सीता का वैवाहिक जीवन दिव्य माना जाता है। समर्पण के भाव से ही पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। इसी संदर्भ में तीसरा प्रसंग है, पति पत्नी को समझनी चाहिए एक दूसरे के मन की बात। वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण, सीता को गंगा नदी पार करनी थी। उस समय एक केवट ने अपनी नाव से इन्हें गंगा नदी पार करवाई थी। तब श्री राम के पास उस केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसी स्थिति में सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो सीता ने तुरंत ही अपनी अंगूठी उतारकर उस केवट को भेंट स्वरूप देनी चाहिए, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली। केवट ने कहा कि वनवास पूरा करने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी देंगे उसे मैं प्रसाद स्वरूप स्वीकार कर लूँगा। इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि पति पत्नी की हर स्थिति में एक दूसरे की मन की बात समझनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़ी हुई तीन प्रसंग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही अगले किसी वीडियो में, फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।